हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज से। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 9th के वार्षिक जो पेपर आपका इस बार होने वाला है फरवरी मार्च के महीने में। तो इस पेपर में आपके किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे आप देखेंगे इस वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें से लगभग आपका 70-80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पेपर पर। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के जो अदर सब्जेक्ट के पेपर आने वाले हैं वो भी आपको सबसे पहले मिल जाए ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वार्षिक परीक्षा आपका क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है 2022-23, विषय आपका विज्ञान और कक्षा 9, पूर्णांक आपके जो 70 नंबर के होने वाले हैं, समय आपका 3 घंटे वाला, ठीक है, 3 घंटे का, और अनुक्रमांक आपने यहाँ पर लिखना है। इतनी चीजें आपकी बेसिक आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने हाफ ईयरली पेपर में भी ये सब कर लिया है। नोट आपको दे रखा है, इसमें कहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष अंकित किए हुए हैं। अब स्टार्टिंग के आप लोगों ने हाफ ईयरली पेपर में देखा आपके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए थे, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है और बाकी जो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेकंड है आपका, कोलाइडी कणों की अनियमित गति को क्या कहते हैं? परासरण, विसरण, टिंडल प्रभाव या फिर ब्राउनी गति। प्रश्न नंबर 3 है और आप सभी ने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और आपके जो पेपर होने वाले हैं, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं और लगभग 17 में से कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर केंद्रीकरण। चौथा प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे? चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पर। बच्चों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक साइंस के, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए और कोशिश करिए इन सभी को आप अलग से क्वेश्चंस को लिख लीजिए और वहां पर उसका आंसर एक साइड में लिख लीजिए ताकि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लाइन से करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? एक नंबर का आंसर है, सीधा एक शब्द में आपने इसका आंसर लिख देना है। प्रश्न नंबर 7 है, संवेग का एसआई मात्रक, सॉरी एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, क्लास 10th में भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो अभी से इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर 10 है, संक्रामक रोग फैलाने वाली विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 11 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? प्रश्न नंबर 13 है, मिश्रण व यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, पादप या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखो डायग्राम लगभग आपके 4 से 5 है और मैं आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एग्जाम से पहले पहले आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी दे दूंगा और उसके विद आंसर के साथ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले क्वेश्चन है आपके सारे सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर कराऊंगा। तो जो भी वीडियो आपको आती है अपडेट होती है अपलोड होती है चैनल पर वो आपको बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए आपके पास। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, पादप या जंतु कोशिका का नाम कितनी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, फसल चक्र के लिए फलीदार फसलें क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय कचरा प्रबंधन समिति परिषद की स्थापना कब और वह क्यों की गई? प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 19 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए। 3 नंबर में है तो थोड़ा इसको डिटेल में आपने करना है। इसी के अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है फिजिक्स से, 6 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि इसमें 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए? प्रश्न नंबर 20 है, संभारिक व समस्थानिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। प्रश्न
नंबर 22 है, रेखित व अरेखित पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और उसका आंसर भी आप एक रफ कॉपी में या फिर साइंस के अपनी फेयर कॉपी में ही आंसर आप कहीं से भी, चाहे आपको एनसीईआरटी बुक में मिलता है या फिर आपके जो नोटबुक है वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करा दिए होंगे, तो आप वहां से भी इनको एक साइड में नोट कर लीजिए। और इन्हीं इतने ही आप, अगर आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाते हैं तो गारंटी के साथ आपका अगर 70 नंबर का पेपर है तो आपका 60+ स्कोर आराम से इसी पेपर को सॉल्व करने पर बन जाएगा। तो जरूर अच्छे से इनको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, रंध्र के प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनके लक्षण व उदाहरण के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में इनको आपने बताना है, उसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में उदाहरण से अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, क्लोरिन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु द्रव्यमान 35। क्लोरीन के एक परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके स्कूल में आपके टीचर ने बहुत अच्छे से सिखा दिया होगा, अगर नहीं सिखाया तो अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्लस टॉप 30 क्वेश्चन आपके पूरे एनसीईआरटी बुक के वो भी देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 है, किसी वस्तु के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर समीकरण का निगमन कीजिए। तो सिंपल आपने इसको व्युत्पन्न यानी सिद्ध करना है, तो आप इसको इजिली कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, 26 के अथवा में क्वेश्चन दिया है, न्यूटॉन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए व गणितीय निरूपण कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, मृदा अपरदन क्या है, इसे रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। तो ये आपने इसका आंसर पूरा थोड़ा सा डिटेल में जरूर लिखेंगे अगर आपको पूरे पूरे 3 नंबर चाहिए। नेक्स्ट इसी के अथवा में दिया है, पशुपालन के क्या लाभ है। प्रश्न नंबर 28 है, कार्य किसे कहते हैं, एक कुली 15 किलो बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, यानी उसने उसको भूमि से ऊपर उठाने में कितना कार्य किया है। खंड का आ गया उसके बाद आपका, इसने कहा है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 29 है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, मानव के लिए इसका क्या महत्व है। 4 नंबर का ये प्रश्न है, अच्छे से इसका आंसर आप लिखेंगे। अथवा में दिया है, एड्स से क्या तात्पर्य है, इस रोग की कारक के संरचना संक्रमण विधियां व सुरक्षा उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 30 है, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की कमियां लिखिए, नील्स बोर ने इस सिद्धांत की कमियों को कैसे दूर किया। प्रश्न नंबर 31 है, का नंबर इसके लिए सॉरी इसके लिए नकाइमा व कालिन का आइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्केल रे नकाइमा व कालिन का इमा में अंतर स्पष्ट करना है। खाना नंबर आपका भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण से समझाइए। तो इसी के साथ बच्चों, आपका जो पेपर है फाइनल पेपर क्लास 9th का, कौन सा विषय, विज्ञान विषय का, वो आपको मैंने कंप्लीट दे दिया है। बस अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को कितना अच्छे से तैयार करते हैं और कितना नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अभी टॉप 30 क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग 60-70% आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। प्लस उसके अलावा जो टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा और जो बचे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं इस पेपर में, वो भी आपको मैं अलग से बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक है। और बाकी कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस पेपर का ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो उसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर एग्जाम तक आप जुड़े रहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।